वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में कोर्ट कमिश्नर को हटाने पर फैसला नहीं हो पाया, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सर्वे करने के दौरान वीडियोग्राफी करने वाले विभाष दुबे के दावों ने आज तक से बातचीत में बड़े दावे किए हैं और बताया कि उन्हें मस्जिद की दीवार पर तराशा हुआ घंटा और फूलों की माला दिखाई दी। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर, पांचवी तस्वीर और छठी तस्वीर। दावा है कि सभी तस्वीरें काशी विश्वनाथ मंदिर की दीवार से सटी उस ज्ञानवापी मस्जिद की है जिसकी संरचना मंदिर की संरचना से मेल खाती है। दावा है कि आपके टीवी स्क्रीन पर ये ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे से जुड़ी तस्वीरें हैं। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर बताया जा रहा है जिसकी अदालत से पुष्टि होना अभी बाकी है। पहली तस्वीर में आप मस्जिद परिसर में नंदी की प्रतिमा देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर तहखाने की है जिसमें मंदिर की कलाकृतियां देखी जा सकती हैं। तीसरी तस्वीर ज्ञानवापी मस्जिद के पूर्वी हिस्से की है जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। तस्वीर नंबर 4 में दावा है कि ये मस्जिद की पश्चिमी दिशा में श्रृंगार गौरी का मंडप है। तस्वीर नंबर 5 ज्ञानवापी कूप और मंडप की है। तस्वीर नंबर 6 ऊपर से ली गई तस्वीर जिसमें मस्जिद की 3 गुंबद दिखाई देती हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दावों और किस्सों की भरमार है, लेकिन आम मान्यता यह है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद को बनवाया। इन सभी तस्वीरों के जरिए इसी दावे को और गहरा करने की कोशिश की गई है। मस्जिद के सर्वे और वीडियोग्राफी के लिए हंगामे के दिन साथ गए वीडियोग्राफर विभाष दुबे ने भी जो देखा वो इसी दावे को पुख्ता करता है। हमारे साथ हमारे मित्र जो थे गणेश शर्मा, वो भी साथ में थे, वो भी रिकॉर्ड कर रहे थे। एक्चुअली पैरेलल कुछ चीजें शुरू हो जा रही थी, तो लगता नहीं यहाँ पे भी जरूरी है और वहां पे जो बहसबाजी हो रही है उसको भी रिकॉर्ड करना जरूरी है। तो 2 पैरेलल कैमरे चल रहे थे। गणेश शर्मा जो थे वो शिलापट पे जो चीजें बनी हुई थी, जो श्रृंखलाएं बनी हुई थी, जो माला की लड़ियां बनी हुई थी तोरण द्वार के, ऐसा महसूस होता था जैसे तोरण द्वार पे जो चीजें कटिंग बनी होती है वो सारी चीजें वहां दिख रही थी। इवन यही नहीं, जो शिलापट वहां रखे गए थे उसके नीचे वाले भाग में भी कुछ चीजें ऐसी समझ में आई कि वहां पे भी कुछ बना हुआ है। शिलापट किसका, मस्जिद के एरिया में या श्रृंगार गौरी के? श्रृंगार गौरी वाले एरिया में। क्या दिखा? उसमें जब नीचे झांक के देख रहे हैं तो वहां पे भी कमल बने दिख रहे हैं। बाकी सारे मतलब वो सारी चीजें दिख रही हैं जो एक हिंदू सभ्यता में यूज होता है, ब्रह्मा जी का चिन्ह। हाँ, जो चिन्ह दिखाई देते हैं जो जनरली ज्यादातर हिंदू धर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का नाम भी इस ओर इशारा करता है क्योंकि किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नहीं हो सकता। इतिहासकार प्रोफेसर चतुर्वेदी कहते हैं कई इतिहासकार मानते हैं कि मस्जिद निर्माण का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है और मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि ज्ञानवापी कोई ज्ञान की पाठशाला रही होगी, पाठशाला के साथ मंदिर भी रहा होगा जो प्राचीन गुरुकुल परंपराओं में हमेशा हुआ करता था। उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी तो उसका नाम ज्ञानवापी पड़ गया, ऐसा माना जा सकता है। इसी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर अब बवाल खड़ा हो गया है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे और वीडियोग्राफी करने गए कोर्ट कमिश्नर पर ही सवाल उठा दिए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद 30 साल पुराना केस है। 1991 में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सिविल कोर्ट में याचिका डाली गई। कहा गया कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। 30 साल बाद मार्च 2021 में इस मंदिर का सर्वे करने का फैसला किया गया। ASI को आदेश भी दिए गए। पूछा गया कि क्या इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई? अगर ऐसा किया गया तो किसका मंदिर तोड़ा गया, कितने साल पुराना मंदिर तोड़ा गया, क्या पहले भी कोई यहाँ ढांचा था? 2 महीने में सर्वे करने का आदेश दिया गया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और ये मामला अभी लंबित है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशजों ने ये याचिका दायर की। उनके वकील विजय शंकर रस्तोगी ने आज तक से बातचीत की और सबूत के तौर पर ये नक्शे भी रखे। जो बीच में देखेंगे ये भगवान शंकर का, भगवान स्वयंभू विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। मूल मंदिर यही है यहाँ तो, लेकिन अब ज्ञानवापी मस्जिद है। भाई आप बाद की बात क्यों आ जा रहे हैं? वो तो बहुत बाद की बात है ना, जब इसको गिरा दिया गया
अभी तो ये एग्जिस्टेंस की बात मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इस नक्शे के आधार पर पुरातन मंदिर था। इसके गर्भगृह में जो है भगवान शिव का 100 फुट का ज्योतिर्लिंग अभी भी विराजमान है। इसको पत्थर की पट्टियों से ढक दी गई है। अब आप सोचेंगे कि 31 साल पुराने इस विवाद में मस्जिद में सर्वे को लेकर अगर हाईकोर्ट का स्टे है तो फिर हाल में सर्वे कैसे हुआ? तो इसका जवाब भी सुनिए। ताजा सर्वे का केस अलग है। 18 अगस्त 2021 में वाराणसी की एक अदालत में 5 महिलाओं ने सिविल कोर्ट में याचिका दी। कहा कि इस मस्जिद परिसर में गौर श्रृंगार की मूर्ति है, मंदिर है, उनकी रोज पूजा करना चाहते हैं, इसका अधिकार दिया जाए। कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश दे दिया। 6 मई से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे भी शुरू हुआ, लेकिन सिर्फ 1.5 दिन बाद ही मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के लिए अदालत की तरफ से नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। खूब हंगामा हुआ और सर्वे को रोकना पड़ा। हम केवल यही कह रहे हैं कि मैंने आदेश के पालन में सद्भाव पूर्वक ईमानदारी से और निष्पक्षता से कार्य किया है। आगे आपत्तियां जो हैं वो आती हैं, उनका निर्धारण करना न्यायालय का है, मेरा अधिकार इसमें नहीं है। ये जानना चाहेंगे कि जब इस तरह के आरोप लगते हैं प्रतिवादीगण का कहना है तो खुद कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर को बैकफुट पे आ जाना चाहिए, आगे सर्वे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन 6 तारीख के बाद भी आप 7 तारीख को गए सर्वे कराएं। 6 तारीख को ऐसा कोई मामला नहीं था, 7 को भी मेरे पास कोई सूचना नहीं थी। न्यायालय से पता चला तो मैंने अपने अपना पक्ष वहाँ रख दिया, बाकी न्यायालय के पास। क्या एक सवाल यह है कि क्या आप लोगों ने देखा, आपने क्या देखा वहाँ पर, क्या चीजें आंखों देखी नजर? ऐसा कुछ नहीं, मैंने जो है अभी कुछ बताने के लिए मैं सुन नहीं हूँ। क्या वहाँ प्रतिरोध जो भी कहूँगा न्यायालय में कहूँगा। वहाँ प्रतिरोध किस बात का था, प्रतिरोध किस बात का हो रहा? कुछ भी नहीं, जो भी मैं कहूँगा न्यायालय में कहूँगा, आप लोग मुझसे कुछ न कहवाए। आर्गुमेंट को कंक्लूड कर दिया गया है, कल की 2 घंटे के आर्गुमेंट, आज की 2 घंटे के आर्गुमेंट का जो निर्णय है, जो ऑर्डर है, वो कल 12 बजे आ जाएगा। तो कल क्या एक्सपेक्ट करें, अंदर घुसने वाला ऑर्डर आएगा मॉस्क के या एडवोकेट कमिश्नर के रहने हटने का? देखिए कंबाइंड ऑर्डर आएगा, जो जो अस्पष्टता रह गई है, जिसको एक क्लेम करते आना है देयर इज एन एम्बिग्युटी, तो उसको कल आंसर करते हुए एक डिसीजन आएगा, एक डिस्क्रिप्टिव डिटेल आएगी कि कब कौन ऑथराइज रहेगा, कौन एडवोकेट कमीशन कराएगा, खुद कोर्ट जाएगा या कोई नया होगा या जो एग्जिस्टिंग है वो कराएगा। कल सभी आर्गुमेंट्स का कंक्लूजन आ जाएगा। आखिरी सवाल, सर्वे डेट का अनाउंसमेंट कल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब बस फैसला सुनाया जाना बाकी है, जिसमें ज्ञानवापी के तहखाने के ताले खोलने का मामला भी शामिल है। रोशन जायसवाल के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी आज तक।